News 18, India. बिहार से लगातार सियासी हलचल की खबर आ रही है और नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं सीएम पद से। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं नीतीश कुमार, ये हमारे सूत्र कह रहे हैं। 28 जनवरी को नीतीश कुमार सीएम की और उनके साथ सुशील कुमार मोदी डेप्यूटी सीएम की शपथ ले सकते हैं। सियासत की दुनिया से ये भारत के लिए एक बेहद अहम और बड़ी खबर, बिहार से जुड़ी हुई, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और नई सरकार का गठन हो सकता है 28 जनवरी को, शपथ ग्रहण फिर एक बार, लेकिन इस बार उनके साथ बीजेपी होगी, सुशील मोदी समेत दो उप मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। राजनीति में दुश्मनी दोस्ती कुछ भी स्थायी नहीं होता है, इस चीज को, इस लाइन को पूरी तरीके से तर्क के साथ साबित कर रहे हैं नीतीश कुमार। और हमारे साथ हमारे तीन सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, हमारे साथ चंद्रमोहन लगातार बने हुए हैं और मानव बने हुए हैं और अमित, सबसे पहले चंद्रमोहन का रुख करेंगे। चंद्रमोहन, आपने भी सोचा था जब पिछली बार शपथ ग्रहण समारोह कवर कर रहे थे कि दोबारा इस बार मौका मिल जाएगा, नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे लेकिन सुशील कुमार मोदी हो जाएंगे डिप्टी सीएम? बिल्कुल, देखिए ये कोई नहीं सोचा था, लेकिन राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और उसी संभावनाओं के तहत नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपनी नई जो है रास्ता वो तलाश की है। 28 तारीख को जेडीयू का एक कार्यक्रम होना था, वो रद्द कर दिया गया है। महाराणा प्रताप का कार्यक्रम बड़ा, जो मिलर स्कूल बुक कराया गया था, उसमें तमाम कार्यकर्ताओं को भी कहा गया था पहुँचने के लिए, वो रद्द कर दिया गया है। और साथ ही जितने भी जेडीयू के विधायक और मंत्री हैं, जो मंत्री हैं वो जिला प्रभारी होते हैं, 26 जनवरी को वो पहुंचते हैं और उसके बाद वो झंडा फहराकर और उनको साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि वो पटना पहुंचे। साथ ही जो भी विधायक है जेडीयू के, उन सभी लोगों को कहा गया है कि पटना पहुंचे। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने जो अगला कदम अपना तय किया है उसको वो अब अमली जामा पहनाने के लिए तैयार हैं। और यही वजह है कि जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीतीश कुमार कभी भी इस्तीफा देकर और उसके बाद कि खेल जो है वो होने वाला है। मैं लौटूंगी चंद्रमोहन आपके पास, लेकिन बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर नीतीश कुमार एक बार फिर से सरकार में आ सकते हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जीतन राम मांझी ने इशारा किया, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि आज ही, उनकी तरह से कहा गया कि आज ही खेला हो जाएगा। समझा जा सकता है कि उनका इशारा है कि आज ही नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। आज ही हो जाएगा काजी, खेला रे, ये थोड़ा वो बिहार की भाषा में ही अपने इस ट्वीट को लिख रहे हैं। प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ लगे बने हुए, प्रशांत हमारे साथ, तीन सहयोगी हमारे साथ अब जा सकते हैं और चंद्रमोहन हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। चंद्रमोहन, जीतन राम मांझी का ये ट्वीट कि आज ही हो जाएगा खेला, क्या आज ही एक बड़ा फैसला बिहार में होने जा रहा है? बिल्कुल, देखिए आज सुबह में ही जीतन राम मांझी से मेरी बात हुई है और सधे हुए वो राजनेता हैं, इससे पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और अगर इस तरह की बात वो ट्वीट पर कर रहे हैं तो साफ तौर पर इशारा समझा जा सकता है, क्योंकि एनडीए गठबंधन के वो भी एक घटक दल हैं, उनके पास 4 विधायक हैं, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं उनका जो ट्वीट है या इशारा कर रहा है। पास बड़ी खबर इस बीच आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें, जेडीयू ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं आगे के और अपने सभी विधायकों को पटना वापस बुलाया है। बिहार में हर बदलते समय के साथ घटनाक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और जेडीयू ने अपने विधायकों को पटना बुला लिया है, अपने आगे के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, संकेत मिलने शुरू हो गए जो जीतन राम मांझी अपने ट्वीट में जिक्र कर रहे हैं। और ये बेहद अहम, तेजी से बनता बिगड़ता सियासी घटनाक्रम बिहार में, और जेडीयू जो सत्ता में है, नीतीश कुमार ने अपने तमाम विधायकों को पटना बुला लिया है, प्रदेश में जहां जहां पर भी कार्यक्रम है वो वापस पटना लौटे। चंद्रमोहन, जेडीयू की ओर से अपने विधायकों को पटना बुलाया जाना, किस तरह के संकेत, क्या आज और होने वाला है, वजह क्या बताई गई? बिल्कुल, देखिए ये सीधा सीधा संकेत दिख रहा है जिसमें जेडीयू के तमाम विधायकों को यह कहा गया है कि वो पटना पहुंचे। साथ ही जो मंत्री जिला प्रभारी होते हैं, आज के दिन 26 जनवरी के दिन वो लोग जिला में पहुंचते हैं और जो भी प्रभारी मंत्री हैं वो इस जिले में झंडा फहराते हैं और उसको भी या उनको भी यह निर्देश दिया गया है कि वो झंडा फहराने के बाद जल्द से जल्द पटना पहुँच जाएँ। और उसके अलावा कल बीजेपी की एक कार्य समिति की बैठक थी, उस कार्य समिति की बैठक में क्या होती है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अभी क्या जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है
कि नीतीश कुमार कभी भी इस्तीफा देकर और 28 तारीख को शपथ ले सकते हैं नई सरकार के साथ, नए गठबंधन के साथ। तो नीतीश कुमार जो पिछले 1.5 महीने से लगातार यह मन बना चुके थे, यह ठान चुके थे कि अब उनको महागठबंधन के साथ नहीं रहना है, वो कहीं ना कहीं होते हुए दिख रहा है। और जिस तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं जेडीयू की ओर से पार्टी कार्यकर्ताओं को, तो यह साफ तौर पर संकेत भी दिखाता है कि नीतीश कुमार अब महागठबंधन को छोड़ने का मन बना चुके हैं। यही वजह है कि 28 तारीख को महाराणा प्रताप के नाम पर एक बड़ा कार्यक्रम पटना के मिलर ग्राउंड में आयोजित किया गया था, जिसको रद्द कर दिया गया है। और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको फ़ोन करके ये कहा जा रहा है कि 28 तारीख को पटना पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, जो कार्यकर्ता महाराणा प्रताप के कार्यक्रम में पहुंचने वाले थे। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर, और ये एक खास तस्वीर भी है हम जो दिखा भी रहे हैं इस वक्त दर्शकों को न्यूज़ 18 इंडिया पर, गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के बीच अब दूरी कुछ क्या बढ़ गई है। एक खाली चेयर यहां पर रखी हुई है, यानी लगी हुई दोनों कुर्सियों पर दोनों आसीन नहीं हुए, बल्कि बीच में कुछ स्थान खाली छोड़ दिया गया था। क्या ये दूरी अब और ज्यादा आगे बढ़ने के ही संकेत हैं? ये तस्वीर एक संकेत के तौर पर भी देखी और समझी जा सकती है। गणतंत्र दिवस समारोह का एक खास कार्यक्रम और चंद्रमोहन, ये तस्वीर गणतंत्र दिवस की है, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के बीच में कुछ जगह और एक चेयर खाली, क्या इसके कुछ मायने भी थे जो दूरियां बढ़ती हुई दिखा रही हो? देखिए, दो घटनाक्रम समझना बहुत जरूरी है। कल कैबिनेट की बैठक थी जिसकी ब्रीफिंग नहीं हुई, और जो सूत्रों से जानकारी मिली उसके मुताबिक तेजस्वी यादव जब कैबिनेट की बैठक में पहुंचे तो उनके एक विभाग का उसमें फाइल आना था, लेकिन वो आया नहीं, जिसको लेकर उनकी और एक नीतीश कुमार के खासे अधिकारी हैं उनके बीच में हॉट टॉक हुआ, और उसके बाद नीतीश कुमार वहाँ से नाराज होकर गुस्से में निकल गए। और आज जब पटना के गांधी मैदान में इस गणतंत्र दिवस का आयोजन था, वहां पर दो चेयर, जैसा कि तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, मुख्यमंत्री और एक बीच में चेयर खाली है, उसके बाद उप मुख्यमंत्री बैठे हैं। जबकि आम तौर पर यही होता है, पिछले तस्वीरों की अगर आप बात करेंगे जहां पर हम खुद मौजूद थे पटना के गांधी मैदान में, नीतीश कुमार बैठे थे और ठीक उसके बगल वाले कुर्सी पर उप मुख्यमंत्री बैठे थे, तो वो चेयर आज खाली दिखा। तो कहीं ना कहीं दूरियां जरूर नजर आई पटना के गांधी मैदान में। और जब राज्यपाल को छोड़ना था उनके गाड़ी तक जाकर, तो नीतीश कुमार तेजस्वी की तरफ पलटकर देखे तक नहीं, जो साफ तौर पर यह बयां कर रहा है कि जो दूरी थी वो खाई में तब्दील हो चुका है, और नीतीश कुमार ने यह मन बना लिया है कि महागठबंधन में, और खास तौर पर जो बिहार में अभी सरकार चल रही है जिसके गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके साथ नहीं रहना है। और यही वजह है कि आज जो खाली चेयर दिखाई दिया इसका साफ संकेत, और कल जो कैबिनेट की बैठक थी उसमें हॉट टॉक होना नीतीश कुमार के खासे अधिकारी से, जो करीबी अधिकारी हैं उनके साथ, और नीतीश कुमार का गुस्सा होकर बाहर निकलना, कहीं ना कहीं यह जाहिर कर रहा है कि नीतीश कुमार ने अब मन बना लिया है कि इस गठबंधन में, इस सरकार में नहीं रहना है। बिल्कुल चंद्रमोहन, लेकिन 2017 में जिस वक्त अलग हुए थे नीतीश कुमार, उस वक्त उन्होंने साफ तौर पर वजह बताई थी, लेकिन इस बार की वजह क्या होगी ये देखने वाली बात होगी। लौटेंगे चंद्रमोहन आपके पास, लेकिन बिहार के सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना सकते हैं। 28 जनवरी को नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह भी कर सकते हैं।